मेरे प्यारे देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे गगनयान के बारे में बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। देश उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चला है। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और उस मौके पर हमें गगनयान मिशन के साथ एक भारतवासी को अंतरिक्ष में ले जाने के अपने संकल्प को सिद्ध करना है। गगनयान मिशन 21वीं सदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। नए भारत के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, आपको पता ही होगा, इस मिशन में एस्ट्रोनेट यानी अंतरिक्ष यात्री के लिए 4 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। ये चारों युवा भारतीय वायुसेना के पायलट है। ये होनहार युवा भारत के कौशल, प्रतिभा, क्षमता, साहस और सपनों के प्रतीक है। हमारे ये चारों मित्र अगले कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के लिए रूस जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि यह भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग का एक और सुनहरा अध्याय बनेगा। इन्हें एक साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद देश की आशाओं और आकांक्षाओं की उड़ान को अंतरिक्ष तक ले जाने का दारोमदार इन्हीं में से किसी एक पर होगा। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन चारों युवाओं और इस मिशन से जुड़े भारत और रूस के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को मैं बधाई देता हूँ।